हूं दीपिका, आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज़ वीके न्यूज़। अब तक तो कांग्रेस पर चीन को लेकर ही आरोप लगते थे कि कांग्रेस का चीन से कनेक्शन है और चीन के प्रति उनका प्रेम जगजाहिर है, लेकिन इस बार कांग्रेस पर जो आरोप लगे हैं उसे सुनकर और देखकर आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस के तार खालिस्तानियों से जुड़े हुए हैं, उन्हीं खालिस्तानियों से जो भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं, उसे तोड़ना चाहते हैं। दरअसल खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। इस बीच पूर्व रॉ अधिकारी जीवीएस सिद्धू का बड़ा दावा सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हिंदुओं को डराने के लिए खालिस्तानी आतंकी भिंडरांवाले को सामने लेकर आई थी। इंदिरा गांधी, उनके बेटे संजय गांधी और कमलनाथ भिंडरांवाले को पैसे भेजते थे। पूर्व अधिकारी जीवीएस सिद्धू का एनआईए के पॉडकास्ट का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने दावा किया, आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी। इसके बाद ज्ञानी जयल सिंह ने अकाली दल और जनता पार्टी गठबंधन के बीच मतभेद पैदा करने के लिए ऑपरेशन वन शुरू किया। इसके तहत इन लोगों ने एक बड़े संत को लाने का फैसला किया। यह ऐसा होगा जो हमारी बातें मानते हुए अकाली दल की नीतियों की आलोचना करेगा। इसके बाद जनता पार्टी भी कुछ कहेगी, इससे उनका गठबंधन टूट जाएगा। जेबीएस सिद्धू ने आगे कहा, इसके लिए ज्ञानी जयल सिंह, संजय गांधी, इंदिरा गांधी और कमलनाथ काम कर रहे थे। ये सब इंदिरा गांधी के कार्यालय अकबर रोड और उनके घर एक सफदरगंज से चल रहा था। इन लोगों ने भिंडरांवाले को खालिस्तान से जोड़ते हुए ये सब करना शुरू किया था। इनका उद्देश्य था कि भिंडरांवाले का उपयोग हिंदुओं को डराने के लिए करेंगे। इसके साथ ही खालिस्तान का एक मुद्दा बनाया गया जो समय अस्तित्व में नहीं था। पूर्व रॉ अधिकारी ने तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व, खास तौर से इंदिरा गांधी, संजय गांधी और कमलनाथ की प्लानिंग की पोल खोलते हुए दावा किया। खालिस्तान का मुद्दा उठाकर इनकी साजिश थी कि इससे देश के लोग सोचेंगे कि देश की अखंडता को खतरा है, इससे उन्हें राजनीति फायदा होगा। उन्होंने ब्रिटेन में भारत के पूर्व उच्चायुक्त और प्रसिद्ध लेखक कुलदीप नैयर की किताब बियॉन्ड द लाइन के हवाले से कहा कि उन्होंने भिंडरांवाले को लेकर एक बार कमलनाथ से बात की थी। तब कमलनाथ ने कहा था कि वो एक हाई प्रोफाइल और कड़क संत की तलाश कर रहे हैं जो हमारी बातें फैला सके। इसके लिए कमलनाथ ने दो संतों का इंटरव्यू किया था। एक संत बेहद विनम्र थे, लेकिन भिंडरांवाले ठीक वैसा था जैसा वो चाहते थे। कमलनाथ ने कुलदीप नैयर से ये भी कहा था कि वो संजय गांधी और उनकी टीम के लोग भिंडरांवाले को पैसे भी दे रहे थे। भिंडरांवाले को पैसे भेजने में वो लोग शामिल थे जो ऑपरेशन वन का हिस्सा थे। इसका मतलब ये है कि भिंडरांवाले को पैसा देने में न सिर्फ कमलनाथ और संजय गांधी बल्कि ज्ञानी जयल सिंह और इंदिरा गांधी भी शामिल थी, यानी कि कांग्रेस ही भिंडरांवाले को प्रोजेक्ट कर रही थी। खालिस्तान का मुद्दा कांग्रेस द्वारा ही लाया गया। इसकी पुष्टि करते हुए उन्होंने दावा किया, भिंडरांवाले ने कभी भी खालिस्तान की मांग नहीं की थी। वो सिर्फ यही कहता था कि बीवी मतलब इंदिरा गांधी अगर मेरी झोली में खालिस्तान डाल देंगी तो मैं ना भी नहीं करूंगा। भिंडरांवाले का उपयोग धार्मिक उपदेशों के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया गया था। ये जो आरोप कांग्रेस की सरकार पर लगे हैं बेहद हैरान कर देने वाले हैं। लोगों के मन में सवाल उठ रहा है, क्या वाकई कांग्रेस का प्रेम खालिस्तानियों से भी है? फिलहाल इस आरोपों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। इस खबर में इतना ही, बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे वीके न्यूज़। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।